हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खुरचन वाली रबड़ी की रेसिपी। खुरचन वाली रबड़ी बनाने के लिए आपको सिर्फ दूध और चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए आप चौड़े और मोटे तले का बर्तन लें। मैंने यहाँ पे मोटी वाली कढ़ाई ली है। 2 लीटर मैंने गाय का दूध लिया है। आप चाहें तो इसे पैकेट के दूध से भी बना सकती हैं। दूध को कढ़ाई में डाल दें। इस समय फ्लेम को हाई रखें और दूध में उबाल आने दें। दूध में उबाल आने के बाद फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में कर लें। दूध को थोड़ा थोड़ा देर पर चलाते रहना है। कढ़ाई के किनारे में जो मलाई जम रही है, इसे इस तरह से खकोर कर दूध में मिलाती जाएं। दूध को हमें इसी तरह से सुखाना है। करछी को कढ़ाई के तले से सटा कर चलाएं। जब भी इसके किनारे में मलाई जमा हो जाए तो इसे खकोर कर दूध में मिला लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूध सूख कर आधा हो चुका है, लेकिन इसे हमें एकदम गाढ़ा होने तक सुखाना है। इसे बनाने में आपको 25 से 30 मिनट का टाइम लग जाएगा, या फिर आप इसे खाना बनाते बनाते दूसरे साइड चढ़ाकर पका सकती हैं। देखिए दोस्तों, इसका रंग भी हल्का क्रीम कलर का हो चुका है। वैसे गाय का दूध हल्का सा पीला ही रहता है। देखिए दोस्तों, खुरचन वाली रबड़ी हमारी तैयार है। दूध गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। इसी समय इसमें 2 चम्मच चीनी मिला लें। चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकती हैं। चीनी मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा और सुखा लें। ठंडी होने के बाद रबड़ी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। इस समय फ्लेम को ऑफ कर दें। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय।